भगवान ने एक तो ये बताया सब में मैं हूं, फिर बाद में बताया इनमें से ये श्रेष्ठ मैं हूं। ये क्यों ऐसा कहा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जब सब कोई मैं ही हूं, पांडव सारे मैं हूं, मगर पांडवों में धनंजय मैं क्यों? क्यों? क्योंकि आपका मन हमेशा जो सबसे बढ़िया है उसके ओर दौड़ता है। सबसे सुंदर क्या चीज है उसके ओर दौड़ता है। सबसे बुद्धिमान कौन है? वहां दौड़ता है। जहां मन दौड़ता है वहां आके श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं। अरे ये तो मैं ही हूं। मन को पकड़ने की तरीका, मन तो कहता हाँ जी सब ठीक, सभी आप ही है, फिर भी इनमें से ये बेहतर है, वो बेहतर की तरफ बहने वाले मन को वहीं आके पकड़ने की जो चालाकी है वो श्री कृष्ण ने करी। भाई मन दौड़ रहा है, मान लो किसी एक श्रेष्ठ की तरफ, तो आपने कह दिया सभी कुछ मैं ही हूं, तो वो क्या है, गलत क्या है? वो भी तो मैं ही हूं, तो रोन जाने दो ना, दौड़ने दो। मगर वहां विशेष रूप से कह देते हैं अच्छा पांडवों में मैं धनंजय हूं, तब फिर वो लौट के आत्म चेतना में, आत्मा में लौट के आ जाते। ये एक अनूठी कला है, ये चालाकी है। जिस चालाकी से वही गुरु जानते मन कहाँ जाता है। आप जब ध्यान में बैठते हो, आपको कितने तरह के ध्यान कराते हैं एडवांस मेडिटेशन कोर्स में, कितने, एक तरह का ध्यान थोड़ी ना कराते हैं। एक और ध्यान और एक मेडिटेशन इन मोशन कराते हैं, एक स्माइल का ध्यान, एक हड्डी का ध्यान, एक पंचभूत का ध्यान, और अलग अलग तरह तरह के ध्यान क्यों कराते हैं? एक में ना लगो तो किसी एक में तो लग ही जाएगा, कहीं एक में नहीं ठहरा कि किसी और में तो ठहरा ही देंगे उसको, मन को पकड़ के वहां बिठा ही देंगे। जिनका मन इतना चंचल है कहीं और नहीं बैठता, तो अब मेडिटेशन इन मोशन कर रहे हैं, वहां तो कोई चारा ही नहीं है, सो भी नहीं सकते, वहां सो भी नहीं सकते। अब वो करके तो लगता रहे कुछ तो हो गया है, ध्यान में बैठे बैठे सांस को देखते रहे, शरीर को देखते रहे, कुछ हुआ नहीं कुछ हुआ नहीं। अब कहीं तो जाके किसी में कुछ हो गया, अब लगता आ भैया कुछ है, बात चीज कुछ है। तो ये मन की दौड़ जो है ना, इसको पकड़ने की ये तरीका रही भगवान श्री कृष्ण को। वो फिर बताते रहे ये इनमें से ये मैं हूं। उनमें से कहाँ दौड़ता है? कीर्ति के तरफ दौड़ता है, श्री के धन के तरफ दौड़ता है, सौंदर्यता के तरफ दौड़ता है। किसी में सुंदरता तुम्हें दिखे तो वो सुंदरता मैं हूं। तब तुरंत क्या होता, श्री कृष्ण ही याद आते हैं वहां पर, या आत्म चैतन्य ही याद आता है। वो व्यक्ति वो बाहर की ढांचा घुल मिल जाता है, पिघल जाता है। एक बुद्धिमान की तरफ मन आकर्षित होता, तो जब कहते हैं बुद्धिमान में जो बुद्धि है भगवान कृष्ण का है, या मेरी आत्मा का है, क्या तो मेरी ही आत्मा की है ये विस्तार, सोचते ही वहां जो मोह बन सकता था, राग बन सकता था वो खत्म हो गया, या द्वेष बन सकता था वो खत्म हो गया। ये अति वैज्ञानिक तरीका है।